हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं अपनी वेट लॉस जर्नी, या कह सकते हैं डाइट पहले मैं कैसे गेन की, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो कई दिन से सोच रही थी क्यों ना बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। जनरली होता क्या है, हम सब फिट तो रहते हैं बट लूज़ बैली की वजह से वो लुक नहीं आ पाता है जो हम चाहते हैं, जो हम डिज़ायर करते हैं। सो आज मैं आप लोगों के साथ वो सारे टिप्स शेयर करूँगी जो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में करती हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू कि मैं एक दिन में क्या क्या डाइट लेती हूँ, एंड जो भी आपको क्रेविंग है चीज़ों को खाकर, तो उसे आप कैसे थ्रो कर सकते हैं एक हेल्दी डाइट को फॉलो करके। वैसे तो देखा जाए तो वेट लॉस कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपने अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए कि हाँ मुझे फिट रहना है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बॉडी को हाइड्रेशन के लिए मैं मॉर्निंग में उठकर नींबू पानी ड्रिंक बनाती हूँ, या फिर कभी जीरा ड्रिंक बनाती हूँ, या फिर करी पत्ता ड्रिंक बनाती हूँ। नॉर्मली मैं अलग अलग डिटॉक्स ड्रिंक बनाती रहती हूँ। सो अभी मैं बना रही हूँ नींबू पानी ड्रिंक, जो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। सो यहाँ पे मैं एक भगोना पानी गर्म करके थर्मोस्टेल में रखती हूँ और इसको सिप कर करके लेती रहती हूँ, और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है फिर मैं गर्म करके फिर थर्मोस्टेल में भर के रख देती हूँ। एंड जब भी मुझे प्यास लगती है तब भी मैं पानी पीती हूँ, एंड कोशिश ये रहती है कि मैं 8 to 10 ग्लास वाटर लूँ पर डे। एंड मेरी कोशिश ये रहती है कि वाई को उठने से पहले मैं पूरा काम फिनिश कर दूं, बट देखो आज ये मेरे साथ साथ भी उठ गया। यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो गया और एक गिलास पानी में मैं नींबू निचोड़ दी हूँ और इसको मैं सिप कर करके लूँगी डिटॉक्स के लिए। जितना ध्यान हमारा अपनी बॉडी का रखना होता है उतने ही ध्यान अपने सराउंडिंग का भी रखना होता है। हम जितना प्यार नेचर से करेंगे उतना ही पॉजिटिविटी आएगी। जितने ही हम अपनी बॉडी को केयर देंगे उतने ही हमारी बॉडी हेल्दी और फिट रहती है। अब मैं मॉर्निंग में भिगोए हुए मूँगफली और बादाम लेती हूँ, ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मैं जब भी कुछ खाती हूँ तो मैं उसको एक एक बाइट लेके खाती हूँ, सो दैट डाइजेशन भी काफ़ी अच्छा रहे। अब मैं मॉर्निंग में योगा करती हूँ, और योगा मिनिमम मैं 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का करती हूँ, फॉलो करती हूँ, और जिनके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि उनके लिए कितना प्रॉब्लम जाती होगी इन सब चीज़ों को मैनेज करना। स्टिल मैं मैनेज करके जो है योगा कर लेती हूँ, एंड मेरे हिसाब से जिनके बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक्सरसाइज यही है, क्योंकि बच्चे हमें पूरे दिन भगाते रहते हैं। भाइयों के साथ मेरा पूरा फिजिकल एक्टिविटीज़ होता है रहता है। स्टिल आई एम एंगेज्ड माई सेल्फ इन अ योगा और एरोबिक डांस। सो स्टार्ट करते हैं ड्रिंक से। मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ अपनी वेट लॉस ड्रिंक। यहाँ पे मैं जीरा, सौंफ, काले मिर्च और दालचीनी ले ली हूँ, और इसको पानी में डाल दूँगी और 5 मिनट के लिए उबलने दूँगी। उबलने के बाद इसको मैं छान लूँगी छलनी की हेल्प से और इसको सिप कर करके पीऊँगी, और आप चाहें तो शहद भी डाल सकते हैं। सो
अब ठीक एक घंटे बाद मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट होगा पोहा। तो यहाँ पे मैं आलू, अनियन और गाजर, बीन्स को चॉप कर ली हूँ फाइनली, और टमाटो को भी चॉप कर ली हूँ गार्निश के लिए, और कोरिएंडर लीव्स को भी। उसके बाद फ्लेम पे पैन रख दूँगी और मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे पैन पे जो है मैं मूँगफली फ्राई कर लूँगी, और यहाँ पे तड़का के लिए करी लीव्स डालूँगी और राई डालूँगी। उसके बाद जो भी मैं सब्ज़ी चॉप की हूँ वो सारी सब्ज़ी डाल दूँगी। इधर मैं एक बाउल से आधा बाउल जो पोहा ले ली हूँ और इसको पानी से धुल दी हूँ। यहाँ पे मेरी सारी सब्जी कुक हो गई है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी, नमक छोटे चम्मच से, और शुगर डाल दूँगी। शुगर डालने से पोहा का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इसको सौते कर दूँगी और पोहा डाल दूँगी। एंड मैं जब भी पोहा डाल देती हूँ तो मैं ग्लास लिड से ढक कर फ्लेम उसी समय बंद कर देती हूँ। इससे पोहा ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। अगर हम फ्लेम को ऑन करके रख देंगे और उसको और कुक करेंगे तो वो पोहा खाने में मज़ा नहीं आता है। मैं तुरंत जो है गैस बंद कर देती हूँ पोहा डालने के बाद। 2 मिनट के लिए मैं ग्लास लिड से ढक कर छोड़ देती हूँ। यहाँ पे पोहा को मैं बाउल में टर्न कर दी हूँ और चॉप किया हुआ टमाटर डाल दी हूँ, और बॉयल किया हुआ काबली चना, और फ्राई किया हुआ मूँगफली डाल दी हूँ। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और हाई प्रोटीन रिच है। और धनिया पत्ता डाल दी हूँ और ऊपर से लेमन स्क्वीज कर दी हूँ। इंटरमीडियंट फास्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्रीन वेजी लेना। एंड मेरी कोशिश ये रहती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑयल की जगह देसी घी सब्स्टिट्यूट करती हूँ, और 1 टेबल स्पून सफिशेंट है पर डे के लिए। ठीक ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वायु के साथ खेलती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो तो वो अलग ही जो है मोमेंट रहता है। अच्छा लगता है खुद को भी और बच्चे को भी अच्छा लगता है। वायु नो वायु क्या नाम है बाप। अब ठीक 11 बजे मैं फ्रूट्स लूँगी। फ्रूट्स आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्वाइट फीलिंग होते हैं, बॉडी को हाइड्रेट रखता है। इंटरमीडियंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि भूखा रहना है, बस कुछ इंटरवल के बाद छोटे पोर्शन में खाना है, बट फिलिंग पोर्शन। जो भी खाना है इंटरवल ज़रूरी है, कंटिन्यू अगर हम खाते रहेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। यहाँ पे मैं फ्रूट चाट रेडी कर ली हूँ। सो इंटरमीडियंट फास्टिंग के बारे में क्या मैं स्टेप फॉलो करती हूँ अपनी वेट लॉस के लिए, एंड थोड़ी एक साइड नॉलेज मिलेगी ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि बेसिकली है क्या। इसमें ऐसा नहीं है कि भूखा रहना है, बस जो भी खाना है हेल्दी खाना है। चलो आपके साथ शेयर करती हूँ इंटरमीडियंट फास्टिंग के बारे में कि इंटरमीडियंट फास्टिंग होता क्या है एंड क्या स्टेप फॉलो करना है ड्यूरिंग द इंटरमीडियंट फास्टिंग। लेट्स टॉक अबाउट इंटरमीडियंट फास्टिंग। इंटरमीडियंट फास्टिंग में 2 विंडो होती है, पहला फास्टिंग विंडो, दूसरा ईटिंग विंडो। इन दोनों विंडो को मैं 2 इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करूँ, दैट इज़ अ 12 by 12 आवर। सो पहला 12 आवर वो फास्टिंग विंडो होगी एंड दूसरा जो 12 आवर है वो ईटिंग विंडो होगी। सो जो फास्टिंग विंडो है उसमें केवल पानी लेना है और पानी के अलावा कुछ भी सॉलिड फूड्स नहीं लेना है। एंड ईटिंग विंडो में जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए कि हाँ मैं इतने टाइम पे अपना डाइट लूँगी, और उसका ये नहीं कि बिल्कुल कंटिन्यू खाते जाना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। सो यूजली मैं 16 आवर का जो है इंटरमीडियंट फास्टिंग करती हूँ बिकॉज आई फील सो कम्फर्टेबल टू डू दैट। एंड अगर आप बिगनर हैं तो आप स्टार्टिंग में 12 आवर का इंक्लूड करिए, देन आप 14 आवर का, देन 16 आवर का। 16 आवर से एक्सेड नहीं करना है। स्टार्टिंग में मैं भी 12 आवर का ही इंक्लूड की थी क्योंकि मैं बेबी को फीड करती थी। तो जो है आप भी पहले स्टार्टिंग में 12 आवर का इंक्लूड करिए, और जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करते हैं देन 14 आवर का।
अब मैं आती हूँ डाइट के लिए। तो मॉर्निंग में कौन सी डाइट लेनी है, लंच में कौन सी डाइट लेनी है और इवनिंग में कौन सी डाइट लेनी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप अवेलेबल है, आप वहाँ से भी नॉलेज ले सकते हैं। अब मैं अपनी पिछले ब्लॉग में काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर की हूँ वेट लॉस के लिए, तो आप वहाँ से भी नॉलेज ले सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको मोटिवेशन मिलेगी दैट यू हैव अ ओन पर्सनल ट्रेनर। सो अब टाइम है लंच का, एकदम इंडियन ऑथेंटिक लंच। तो यहाँ पे मेरे पास दही नहीं है तो मैं दही लाने जाऊंगी सबसे पहले। गोदी पैदल चलो। चौको बार ये 7th ब्लॉक में। हाँ मंजू भाभी, संजू नहीं नाम है उनका, मंजू नाम है। सो आज मैं लंच में बिल्कुल भी कुक करने वाली नहीं हूँ, बस मुझे एक बाउल दही चाहिए और बॉयल किया हुआ काबली चना और सोयाबीन, इसको मैं डाल दूँगी दही में। और यहाँ पे चॉप किया हुआ खीरा डाल दूँगी, चॉप किया हुआ गाजर और चॉप किया हुआ अनियन। उसके बाद ऊपर से मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाला से। और रॉक सॉल्ट स्प्रिंकल कर दूँगी और मखाना डाल दी हूँ, रोस्टेड किया हुआ मखाना डाली हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे खजूर रख दी हूँ। और एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वह है भुना हुआ मूँगफली डाल दूँगी। और मूँगफली ना डालो ना तो स्वाद थोड़ा फीके फीके सी लगती है, इसको मूँगफली डालना तो कंपलसरी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर की हूँ कि मैं 16:10 के विंडो यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं 16 hour फास्टिंग और 10 hour का खाना लेती हूँ। अब मैं इसमें टाइमिंग फिक्स करके ही लेती हूँ कि मुझे इतने टाइम पे ही खाना है खाना, और मैं जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाती। अगर मुझे खाने का मन होता है तो मैं एक गिलास पानी पी लेती हूँ और उससे मेरी भूख ख़त्म हो जाती है। एंड चीज़ों को लेकर हम जितने ही क्रीविंग करेंगे उतना ही हमारा मन करता है, इट्स बेटर कि हम अवॉइड करें। बिल्ली बिल्ली देखो दूध पी रही है ना। यहाँ पे मैं वायु के लिए पैनकेक बना दी हूँ, और यहाँ पे मैं जब भी पैनकेक बनाती हूँ वायु के लिए तो आटा और सूजी का ही यूज़ करती हूँ, मैदा बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। सो मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। क्या भाई हो? हाँ बारिश। सो अब टाइम हो गया है डिनर का, तो मैं डिनर 7 बजे के पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल में सोयाबीन काबली चना और तूर दाल ले ली हूँ और पानी में डाल दी हूँ, और छोटी चम्मच से नमक हल्दी और हींग डाल दी हूँ और सीटी लगा दूँगी। मैं दाल में सोयाबीन और काबली चना डालती ही डालती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच सोर्स है। सब्जी में मैं बीटरूट बनाऊँगी जो मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं बीटरूट को अच्छी तरीके से पील कर ली हूँ और इसको फाइनली चॉप कर लूँगी। और तड़के के लिए मैं यहाँ पे लहसुन को कद्दूकस कर ली हूँ। यहाँ पे मैं लहसुन को बिल्कुल भी पील नहीं की हूँ, मैं जब तड़का लगाऊँगी तो लहसुन का जो छिलका है ना वो अपने आप बाहर निकल आएगा। एंड टेस्ट लाने के लिए यहाँ पे मैं चॉप किया हुआ हरी मिर्च डाल दूँगी और चॉप किया हुआ चुकंदर डाल दूँगी। एंड खाना कैसा भी हो बस हेल्दी होना चाहिए, मुझे बीटरूट की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैं अभी हल्दी और नमक नहीं डाली हूँ, अभी मैं बस ग्लास लिड से ढक के रख दूँगी 5 मिनट के लिए, सो डैट ये अच्छे से कुक हो जाए। और 5 मिनट के बाद जब ये कुक हो जाएगा तब जाके मैं इसमें हल्दी और नमक डाल दूँगी, और इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूँगी, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। एंड अगर मेरी तरह आप भी जो है चटपटा टाइप के पर्सन हैं तो आप इसमें ना 1 चम्मच मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे भी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। सो ये रहा मेरा डिनर थाली। यहाँ पे मैं 1 बाउल चुकंदर की सब्जी और 1 बाउल दाल ले ली हूँ और 1 बाउल मेज़रमेंट के हिसाब से चावल ले ली हूँ।
राइट बेटा राइट, इट्स दिया। सो डिनर करने के बाद मैं वॉक पे निकलती हूँ और मैं आधे घंटे डेली वॉक करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यही पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी देन डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर द फ्यूचर अपडेट। टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। बाय बाय।